लोग आज भी अलग अलग चीजों के पीछे भागना पसंद करते हैं. विजन नाम की चीज तो उनको समझ ही नहीं आती है. जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं उन्हें उसमें भागना ऐसा पसंद करते हैं कि पैसे के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन उन्हें दिखता ही नहीं है. मतलब मैं समझ नहीं पाता कि क्या पैसा ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम ही इंपॉर्टेंट है, या विजन नाम की भी कोई चीज होती है जिसके लिए लोग कंसिडरेशन ही नहीं करते, सोचना भी पसंद नहीं करते. कहां गलती हो रही है ये? गलती तो वहां होती है जब आदमी पैसे के पीछे भागता है लेकिन विजन के साथ नहीं भागता. अगर उनको पैसा चाहिए तो विजन साथ में होगा तो पैसा जल्दी मिलेगा. लेकिन यहाँ पर पैसे के इंपॉर्टेंस में वो लोग अपना ध्येय भी भूल जाते हैं, अपना ध्येय का रास्ता भूल जाते हैं. सो आई थिंक यू आर राइट कि होना चाहिए पहले आप एक विजन बनाइए, एक कमरे में बैठ कर सोचिए कि मुझे क्या चाहिए, तो आदमी अपने लक्ष्य को पा जाएगा. मतलब उस विशेष सर्कल में सुनो लेटर फंसेगा जितना जल्दी वो रियलाइज कर ले कि विजन होगा तो मैं जिंदगी भर सेटिस्फाई रहूंगा, खुश रहूंगा और हैप्पी रहूंगा. मतलब विजन होगा तो वो सही मार्ग पर अगर जाएगा तो वो सही मार्ग पर ही चलता जाएगा. अगर विजन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं भटक जाएगा, क्योंकि बिखराव आ जाएगा उसके सोचने में. उसके हर जिंदगी के हर मोड़ पर आपको दो रास्ते मिलते हैं, कभी कभी तीन मिलते हैं, तो उसमें यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, उसमें उसका जजमेंट अच्छा चलेगा अगर वो स्टार्टिंग से विजन क्या है. हर्षित, मैं जो बच्चों को देखता हूँ आजकल, वो बच्चे ऐसे हैं कि सब भाग रहे हैं और भाग रहे हैं और भाग इसलिए रहे हैं कि सामने वाले बच्चे देख रहे हैं, लोग भाग रहे हैं. तो जो नया बच्चा था बोलते लोग भाग रहे हैं, कुछ होगा, मिलता होगा आगे, तो वो भी डिंग 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 भाग और भागते, फिर एंड में पहुँचते हैं वहाँ पर. तो जो नया लड़का जो भाग के आया था वो देखता है इन लोगों को, क्या लेने को आए थे, तो उनको बोलता है नहीं, हमको भी नहीं मालूम. सो दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज़ दे वर रनिंग विदाउट विजन. आप तो इस इंडस्ट्री में इतने साल से हैं, मैं ये देखता हूँ कि लोग ना अपने नाम के पीछे बड़े पागल हैं. नाम चाहे उनका खुद का हो चाहे उनकी कंपनी का हो, उनकी किसी भी बात में, उनके किसी भी काम में उनका अपना पैशन नहीं दिखता, उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी नहीं दिखती. हर चीज नाम के अकॉर्डिंग होती है, नाम के अराउंड होती है. ब्रांड इज एवरीथिंग फॉर देम. पर ब्रांड बनाया भी इसलिए जाता है कि तुमने काम किया है, अच्छा हुआ है, तो तुम्हारा ब्रांड बन गया है. अगर वो है तो ठीक है, बट ये है कि फॉर एग्जांपल आर के फैमिली है, या फॉर एग्जांपल और बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पर हाउसेस है, उसमें से जो नया लड़का आता है उसके लिए ये तुम्हारी बात जाएगी कि सिर्फ इसलिए कि आप आरके के हैं इसीलिए आपको वही करना है जो आरके ने किया वो नहीं है, उसमें फिर अपना विजन डालना जरूरी है. क्योंकि वो भी उसी को ही फॉलो करता है, वो अपनी पहचान तो भूल जाता है, वो उस ब्रांड के ही चक्करों चलता रहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी लोगों की खत्म हो जाती है. एक्चुअली क्या है, यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि भाई गॉडफादर की जरूरत है, गॉडफादर की जरूरत. पर मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस इंडस्ट्री में कोई आपका माई बाप नहीं होता. आपको बड़े से बड़े बाप भी अगर आपके हैं जो हैं, आपको पहली फिल्म दिलाएंगे, दूसरी कराएंगे, हो सकता है अगर बहुत बड़ा बाप है वो तो आपको 6 फिल्में कराएंगे, उसके बाद आप हैं और कैमरा है. आपकी फिल्म नहीं चली तो कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा. यू मे बी द सन ऑफ अमिताभ बच्चन, यू मे बी सन ऑफ राजेंद्र कुमार, यू मे बी सन ऑफ राज कपूर. इट विल वर्क व्हेन यू हैव अ सक्सेसफुल फिल्म. तो इसलिए यू आर राइट कि नाम ब्रांड के बदले अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ, अपना अस्तित्व. मुझे याद है आपके महाभारत के रोल में आपका युद्ध हो रहा था जब आप भीष्म का रोल निभा रहे थे पात्र का, परशुराम जी से. और उस युद्ध में भीष्म ने परशुराम जी पे जीत हासिल की थी. तो उस युद्ध में जीत हासिल करने के बाद परशुराम जी बड़े खुश हुए, वो भीष्म पितामह जी के पास आए, उन्होंने पूछा कि भाई मैंने तो तुझे इतनी सिद्धि नहीं दी थी, तूने इतनी सिद्धि कहां से एकत्रित करी कि तूने मुझे हरा लिया. तो आपने वहां पे जवाब दिया कि आपने मुझे जहां पे छोड़ा था मैं वहां पे रुका नहीं था, मैंने वहां से और सिद्धि प्राप्त करनी शुरू करी थी, मैं वहां से और ज्ञान की खोज में गया था और मैं उन सब ज्ञानों को सिद्धि को पाकर वापस आया, क्योंकि आपको अंदेशा नहीं था कि मैं क्या क्या सीख कर आया हूं, इसलिए आपको वो युद्ध हारना पड़ा. मैं सर यही समझना चाहता हूं कि क्या लोग इस मनोदिशा से बाहर आ सकते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है जो उन्होंने एक टाइम सीख लिया एक स्कूल में, सोसाइटी में, बस वहां पे फिनिश हो गए, क्या उसके आगे का एक्सपोजर, उसके आगे की नॉलेज, उसके आगे की सीख उनके लिए नहीं रहती? देखिए, सीखना की कोई एज नहीं होती. देयर इज नो एज फॉर लर्निंग.
और ये जो तुम जो बात कह रहे हो उसमें एक कहावत फिट होती है कि गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया। चेला चीनी जी। और वो जो जो आदमी सीखता है बच्चा, उसको ये समझ नहीं चाहिए कि अभी मैं परशुराम से सीख कर आया हूँ, परशुराम जी इज़ द बिगेस्ट गुरु ऑफ द होल वर्ल्ड, तो मैं भी उतना ही बड़ा बन गया। नहीं, परशुराम जी ने उससे भी ज़्यादा नॉलेज सब तो नहीं दे पाते। हर गुरु कोई ना कोई गुड़ होता है अपने पास रखता है। इन केस में तो ये आई थिंक भीष्म पितामह वाज द ओनली कैरेक्टर इन द माइथोलॉजी जिसने परशुराम को हराया था, किसी ने परशुराम नहीं हराया था। तो अगेन यू आर राइट कि सीखने के बाद में और सीखने की मंशा, मतलब आपका अंदर का क्यूरियोसिटी, बचपन का क्यूरियोसिटी, बच्चे की क्यूरियोसिटी बुढ़ापे तक रहनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगा कि पैशन का, विजन का आप एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल हो कि आपने जो सोचा, आपने बचपन में अपना जो विजन क्रिएट किया, आपने बहुत ईमानदारी से उसको निभाया, आप उस पर यहाँ तक चल के आए, आप वन ऑफ द एक करेक्टर्स इंडस्ट्री के जिसका लोग सम्मान करते हैं और आपको फॉलो करते हैं, और आपको देख के मैं चाहता हूँ कि लोग ना अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें और आप ही की तरह उस पर पहुँच के लाइफ टाइम हैप्पीनेस और खुशी। एक शब्द तुमने इस्तेमाल किया ईमानदारी से, जो मैं उसको बहुत महत्व देता हूँ। एवरीबडी शुड बिकम honest to oneself, yes, to his profession. मैं तो कई बार बीच में बोलूँगा कि भाई अगर बड़ा ही कारीगर अगर अपनी कारीगरी पर ईमानदारी करे, लीडर अपनी लीडरी पर ईमानदारी करे, पति अपनी पतित्व पर अगर ईमानदारी करे, तो इस देश को सुपर हीरो सुपर बनाने में, पावर बनाने में कोई नहीं रोक। ईमानदारी बहुत जरूरी। मैं शायद इसीलिए आगे बढ़ाऊँ क्योंकि मैंने हर रोल को ईमानदारी से किया। मैं अपने पर तारीफ नहीं करूँगा, भगवान की भी कृपा थी मेरे पर, सही टाइम पर सही रोल आया। मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हुई और लोगों ने कहा कि ये तो मुकेश खन्ना गया, अभी मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन दिखता है इसलिए मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। मैं कहा अमिताभ बच्चन मेरे बाद में आते हैं ना, तब उनको पूछते हैं आप मुकेश खन्ना की कॉपी करते। फिर महाभारत आई, फिर लोगों ने कहा थे आप, मैंने कहा भैया मैं था आपकी आंखों की नजर। तो सही टाइम पे सही रोल मेरे लिए महाभारत आया। और आपकी प्रिपरेशन थी उसके अंदर। I was committed to रूही, I was committed to दर्द-दिल, I was committed to कैप्टन बैरी। मैं तीनों फिल्म में मेरा काम देखो आपको लगेगा कि मैंने उसमें भी उतनी जान भरी जितनी महाभारत में भरी। लेकिन फिल्म फ्राइडे में सक्सेसफुल होनी चाहिए, मेरी 4-4 हफ्ते में, 7 हफ्ते में उतर गई। सो दैट आई थिंक है कि आपको सही वक्त पे, लेकिन जब आपके पास वो काम आएगा तो उस वक्त बनेगा ओके करके बताओ। You are no doubt a legend for this industry and for this country.